नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल पटेल, डायरेक्टर ऑफ सोफ्तामो एजुकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूँ सोफ्तामो की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के। हर बार की तरह इस बार भी कुछ अलग विषय अलग टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होने जा रहे हैं। आज का यहाँ पे हमारा जो विषय है वो अब तक के हर एक टॉपिक से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक आप बोल सकते हो। ये टॉपिक है दोस्तों टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटीज इन रशिया के बारे में। लेकिन ये वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सबसे निवेदन है कि अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब जरूर से कर ले ताकि आने वाले दूसरे वीडियो के भी बेनिफिट मिले। तो दोस्तों चलिए बात शुरू करते हैं टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटीज इन रशिया के बारे में। इस वीडियो को हम लोग पार्ट वन बोल के चल सकते हैं क्योंकि फ्यूचर में दूसरे पार्ट टू आने के भी पूरे चांसेस रहेंगे। यहाँ पे कोई भी यूनिवर्सिटी की बात शुरू करने से पहले रशिया के एजुकेशन सिस्टम को समझना अति आवश्यक। अगर रशिया के एजुकेशन सिस्टम की बात की जाए तो उसको चार कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं आप, जिसमें सबसे पहले कैटेगरी में आता है वो आता है फेडरल यूनिवर्सिटीज। फेडरल यूनिवर्सिटीज जो है वो मेजोरिटी फेडरल यूनिवर्सिटीज कंप्लीट इंग्लिश मीडियम यूनिवर्सिटीज है एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल की जाती है। सेकंड पे आती है स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू कंट्रोल होती है और मेजॉरिटी स्टेट यूनिवर्सिटीज जो है वो या तो बायलिंगुअल या तो रशियन लैंग्वेज में पढ़ाई करवाती है। उसके बाद एक आती है एकेडमी। एकेडमी पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट पढ़ाने के अंदर उसका एक्सपर्टाइज होता है और मेजॉरिटी एकेडमी जो है वो रशियन लैंग्वेज में पढ़ाई करवाती है आज की डेट। और उसके बाद आती है रिसर्च मेडिकल यूनिवर्सिटी जो की सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल होती है और उसके अंदर कुछ कुछ ऐसे ऑप्शन अवेलेबल है आज जो इंग्लिश में पढ़ाई करवाते हैं। तो ये बात थी रशियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में। यहाँ पे लेकिन जो सबसे बड़ा जो दिक्कत रहता है इंडियन पेरेंट्स को और स्टूडेंट को वो यूनिवर्सिटी सिलेक्शन में रहता है। सिलेक्शन में जो प्रॉब्लम रहता है वो रहता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी फुल्ली इंग्लिश है और कौन सी यूनिवर्सिटी बायलिंगुअल है। तो यहाँ पे जब मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की बात करेंगे हम लोग तो वहाँ पे हम लोग एंटायर ड्यूरेशन के बारे में बात करेंगे। इंग्लिश मीडियम का कोई बाइफर्गेशन नहीं होना चाहिए। इंग्लिश मीडियम जहाँ पे होता है वहाँ पे लिखा होना चाहिए फुल्ली सिक्स ईयर इंग्लिश मीडियम। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट को और पेरेंट्स को मिसगाइड करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी यहाँ पे अपनाई जाती है, कुछ ऐसे पैराग्राफ रखे हुए यूनिवर्सिटीज ने वेबसाइट के ऊपर, उसमें से एक पैराग्राफ हम यहाँ पे आपको दिखाने जा रहे हैं जिसके अंदर लिखा हुआ है इन अवर जनरल मेडिसिन इंग्लिश मीडियम प्रोग्राम स्टूडेंट विल स्टडी फ्रॉम फर्स्ट कोर्स टिल थर्ड कोर्स कंप्लीटली इन इंग्लिश मीडियम एंड फ्रॉम फोर्थ कोर्स टिल सिक्स्थ कोर्स लेक्चर विल बी हेल्ड इन इंग्लिश व्हाइल मेडिकल प्रैक्टिस और हेल्थ फैसिलिटीज विल बी कंडक्टेड इन रशियन लैंग्वेज। स्टूडेंट विल बी स्टडिंग द रशियन लैंग्वेज एज अ सब्जेक्ट फ्रॉम फर्स्ट टिल थर्ड कोर्स एज अ स्टूडेंट विल हैव टू इंटरेक्ट विद द लोकल पेशेंट इन देयर प्रैक्टिस क्लासेस दे आर रिक्वायर्ड टू हैव अ नॉलेज ऑफ रशियन लैंग्वेज टू डू सो। अभी यहाँ पे पहली बात तो अगर कंप्लीट इंग्लिश मीडियम कोर्स है तो उसका बाइफर्गेशन देने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। उसके सामने यही अगर वर्डिंग है उस वर्डिंग को अगर हम लोग अपनी इंडियन गवर्नमेंट की इंडियन एम्बेसी की वेबसाइट पे जाके चेक करेंगे तो वहां पे क्या लिखा हुआ है, देयर इज अ पब्लिसिटी इन इंडिया अबाउट इंग्लिश मीडियम कोर्स इन मीडियम स्टडीज इन द रशियन फेडरेशन। दिस इज नॉट अ करेक्ट मीडियम ऑफ एजुकेशन इन रशियन इंस्टीट्यूट इज मोस्टली द लोकल लैंग्वेज। अ स्पेशल लाइसेंस इज रिक्वायर्ड बाय इंस्टीट्यूशन टू टीच इन इंग्लिश। इन प्रैक्टिस मोस्ट इंस्टीट्यूशन ट्राई टू टीच फर्स्ट 3 years in English medium while simultaneously teaching Russian language. From the 4th year, student are expected to study in Russian language. Student must be prepared for this dual medium of instruction. Some institutions which claim to have dual medium course do not even have requested faculties to teach in English even for the first 3 years. Please note, no book or medicine in English are available in Russia, and in some cases, education contractors were providing the same. Some students have also complained about the unfair practices with teachers demanding money for clearing exams. कि जो अपनी गवर्नमेंट की जो वर्डिंग है इंडियन एम्बेसी की वेबसाइट पे तो उसके अकॉर्डिंग रशियन मेजोरिटी यूनिवर्सिटीज आर बायलिंगुअल यूनिवर्सिटीज। बायलिंगुअल के बाद बात करेंगे तो थर्ड कैटेगरी पे जो आती है रशियन मीडियम यूनिवर्सिटीज जहां पे कोई अपना इंडियन स्टूडेंट जाने के लिए रेडी नहीं हो। तो ये तीन कैटेगरी की यूनिवर्सिटीज हम लोग बोल सकते हैं लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन के बारे में। और पेरेंट्स जो ज्यादातर कंफ्यूज रहते हैं वो इंग्लिश और बायलिंगुअल के बीच में रहते हैं। अभी यहाँ पे टॉप फुल्ली इंग्लिश मीडियम यूनिवर्सिटीज की बात करेंगे जिसके अंदर हमने दो कैटेगरी बनाई हुई है। एक है फेडरल यूनिवर्सिटीज जो की एक टॉप रैंक में बोल सकते हो और सेकंड है स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज। तो अकॉर्डिंग टू द सोफ्तामो रिसर्च यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सबसे पहले टॉप फेडरल इंग्लिश मीडियम यूनिवर्सिटीज के बारे में जिसके अंदर चार यूनिवर्सिटी में आपको सजेस्ट कर सकता हूँ। अगर आपका बजट 38 लाख रुपीस का है देन कजान फेडरल यूनिवर्सिटी इज बेस्ट यूनिवर्सिटी। सेकंड नंबर पे फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में आपको सजेस्ट कर सकता हूँ अगर आपका बजट 28
टू 30 लाख के आसपास है, लेकिन फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी काफी दूर है मॉस्को से, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको अगर सिलेक्ट करना है तो कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे आप क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी को ले सकते हो, जिसका बजट आपको 28 के 30 के बीच में रहेगा, सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी आप बोल सकते हो फेडरल कैटेगरी के अंदर। उसके अलावा इमेनुअल कांट बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी जो है, जो कि एक प्रीमियम लोकेशन आप बोल सकते हो रशियन कंट्री के लिए, जो कि पूरा यूरोपियन कंट्री से घिरा हुआ है, वहां पे अगर आपको 25-27 लाख का बजट है तो आप यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर सकते हो। ये चारों यूनिवर्सिटी कंप्लीटली इंग्लिश मीडियम फेडरल यूनिवर्सिटी है। उसके अलावा अगर स्टेट यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर टॉप स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में बोलूंगा तो यहाँ पे कुक स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है, वहां पे आपका 35-38 का बजट होना अनिवार्य है। उसके बाद कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, अगेन यहाँ पे आपको 35-38 का बजट होना जरूरी है। एंड उसके बाद अगर बात करेंगे तो वोल्गोग्राद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, जिसका बजट करीबन 35-38 के बीच में रहेगा। तो ये तीनों ऑप्शन को आप एक बेटर इंग्लिश मीडियम यूनिवर्सिटी के ऑप्शन के अंदर लेके चल सकते हो फॉर द स्टेट यूनिवर्सिटी। इसके अलावा भी कुछ यूनिवर्सिटीज मे बी होगी इंग्लिश मीडियम के अंदर, वो मे बी शायद हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो पार्ट 2 आएगा उसके अंदर रिप्रेजेंट करने के लिए प्रयत्न करेंगे। यहाँ पे हमको काफी सारे स्टूडेंट ने एग्रेसिवली रिक्वेस्ट किया इस टाइप का जो मैनिपुलेशन हो रहा है मार्केट के अंदर बायलिंगुअल का और रशियन मीडियम का और इंग्लिश मीडियम का, उससे बचा कैसे जाए। तो सबसे पहला जो हमारा रिक्वेस्ट है, ऑलवेज साइन लीगल एग्रीमेंट ऑन स्टैम्प पेपर पर, जहाँ पे कम्प्लीटली मेंशन किया हो कि 6 ईयर पूरा प्रोग्राम आपको इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा, कहीं पे भी बायलिंगुअल का वजूद नहीं होगा, इंग्लिश प्लस रशियन दैट मीन्स इट्स बायलिंगुअल। उसके बाद सेकंड चीज आती है, अगर आपने ऑलरेडी एडमिशन बुक कर लिया और आप पहुंच भी गए हो, अगर वहाँ मदद एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल कर लीजिए अपने मोबाइल के अंदर, उसकी आपको डेफिनेटली जरूरत पड़ने वाली है फ्यूचर के अंदर। अगर आप यहाँ पे एडमिशन ले लेते हो किसी भी बहकावे में, एडमिशन लेने के बाद आप वहाँ पे पहुंचते हो जब यूनिवर्सिटी, और वहाँ पे जाने के बाद अगर आपको पता चलता है तो क्या इमीडिएट एक्शन लेना है, तो सबसे पहले तो आपको वहाँ पे यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन डेस्क है वहाँ पे जाके रिटर्न में एप्लीकेशन देके रिटर्न के अंदर आपको वहाँ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी रहेगी कि आपका कोर्स का जो मॉडल है वो क्या है, कम्प्लीट इंग्लिश मीडियम है 6 साल के लिए बायलिंगुअल। उसके बाद आप इंडियन एम्बेसी के जो मेल आईडी यहाँ पे हम लोग रिफ्लेक्ट कर रहे हैं उसके ऊपर मेल करेंगे, एज वेल एज अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करेंगे। और पेरेंट्स का ड्यूटी यहाँ पे क्या रहेगा कि वो यहाँ पे नजदीकी कोई भी पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन फाइल करे अगेंस्ट द विद द सेक्शन 420 IPC, जिसके अंदर सीधा मेंशन किया जाए कि कंसल्टेंट ने जो आपको मेंशन किया था उसके अकॉर्डिंग वो प्रोग्राम डिलीवर नहीं हुआ है, तभी जाके आपका पैसा आपको यहाँ पे रिफंड मिलेगा और दूसरे जो आने वाले बच्चे हैं उनके भी लाइफ बच जाएगी। एंड दिस इज द ओनली वे टू प्रोटेक्ट yourself, know your rights, take action, do it once, do it right. यहाँ पे कुछ ऐसे consultant जो पढ़े लिखे हैं या तो फिर ज्यादा ही पढ़े लिखे हैं, जिनको इस चीजों में डिफरेंस नजर नहीं आ रहा है, उनको मेरा सजेशन है यहाँ पे कि ऐसी यूनिवर्सिटी से मिसगाइड करना छोड़े स्टूडेंट को। तो ऐसी जो चीज है यहाँ पे जो भी रियलिटी बोल के भेजिए आप स्टूडेंट को, बायलिंगुअल है दैट मींस बायलिंगुअल है, उसको इंग्लिश बोलने की आवश्यकता नहीं है, अगर उसका विषय तो हो जाए। तो आई थिंक दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर आपको यहाँ पे कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, दिए गए नंबर के ऊपर आप कॉल कर सकते हो, उसके अलावा कोई भी डाउट है तो आप दिए गए मेल आईडी के ऊपर मेल भी कर सकते हो, उसके अलावा हमारा चैट सेक्शन अवेलेबल है जहाँ पे आप चैट पे भी हमसे बात कर सकते। दूसरा ऐसा ही सिमिलर सेकंड पार्ट भी हम लोग इन फ्यूचर लेके उपस्थित होंगे आपके सामने। फिर से मेरा निवेदन है, अगर ये चैनल आपने सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब जरूर से करें ताकि आने वाले दूसरे वीडियो के भी आपको बेनिफिट मिल पाए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जो भी यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन करते हो प्रॉपर सेल्फ रिसर्च करें और रिसर्च करने के बाद ही डिसीजन लें। धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर।